ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। कल का वीडियो आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो यह 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। आज का सीनारियो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,865 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,739। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ इस रेंज के बीच में और टुवर्ड साउथ की तरफ कोशिश कर रहा था जाने की। ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया 14,719 के पास एग्जैक्ट, और यहाँ से बाउंस बैक होते हुए जब इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट 14,888 अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 14,908 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। एग्जैक्ट इसी के पास रेजिस्टेंस फेस किया निफ्टी इंडेक्स ने और एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स के पास सपोर्ट टेस्ट किया है, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। और इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 36 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 27,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था निफ्टी का एक क्विकली रिव्यू। कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो गए उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले डेली चार्ट को देख लेते हैं निफ्टी के। आज भी निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लेवल को अचीव किया है 14,913 के पास। 15,000 तक निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर जा सकता है। 15,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, और ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था इसके फिर से अगर इसको ये ब्रेक कर देता है टुवर्ड साउथ की तरफ, तो ही यहाँ से करेक्शन हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज जब जब ये ट्रेंड लाइन के पास आएगा, हो सकता है सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक करे। वी शेप रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ज़्यादा सस्टेन नहीं करती है, काफ़ी कम बार देखा गया है वी शेप रिकवरी एक अपसाइड, मजबूत अपसाइड ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए। तो यहाँ पर अगर करेक्शन आता है तो फर्स्ट सपोर्ट होगा ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ही यहाँ से करेक्शन और गहराता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज निफ्टी काफ़ी बुलिश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलते 60 मिनट के चार्ट में। कल के लिए इंट्राडे लेवल्स अगर आप देखें तो फिर से अगर लाइफ टाइम हाई यानी आज का हाई ब्रेक कर देता है निफ्टी इंडेक्स और 14,919 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,945, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,968, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट करें, जब फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ आए और फिर से ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करे, उसके ऊपर सस्टेन करे, तभी एंट्री यहाँ पर लेना फायदेमंद साबित हो सकता है, अदरवाइज अवॉइड करें। और जो हमारा आज ब्रेकआउट लेवल बन रहा था वो हमारा कल के लिए ब्रेक डाउन लेवल बन सकता है, यानी 14,849 के नीचे चला जाता है, सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,830, ये हमारा क्विकली एक छोटा सा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,810, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स है। बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी को भी देखें तो काफ़ी आज एक्यूरेट लेवल साबित हुए, ये देख सकते हैं आप। ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट अचीव हुए, एग्जैक्ट यहाँ पर ही सपोर्ट टेस्ट किया, और जैसे बाउंस बैक हुआ ब्रेकडाउन ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट के पास, पहले तो इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, और जैसे दोबारा से फिर से इसने अप ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू रखा, तो फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों यहाँ पर अचीव हुए। तो ये बैंक निफ्टी का आज के लेवल्स है। कल के लिए क्या हो सकता है, 60 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और सेम सिनेरियो यहाँ पर भी होगा। अगर बैंक निफ्टी में भी अगर लाइफ टाइम हाईज लगते हैं यानी 35,450 के ऊपर
अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,589, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,728, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, और जो आज यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल बन रहा था वो हो जाएगा कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल, यानी 34,907 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा प्रीवियस डे का क्लोज का लेवल, यानी 34,755, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34,641, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कल के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इंट्राडे हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इक्विटी ऑप्शंस और बैंक निफ्टी ऑप्शंस दोनों को, तीनों के भी हम इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है ट्रेडिंग के लिए, ये वहाँ पर शेयर करते हैं, आप ज्वाइन हो सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री चैनल है। सो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।